Mir Mohammad Faisal, God bless you. Shri Samsher Singh Manhas. आदरणीय सभापति जी, जिस दिन इस सदन में मैं आया, वैसे तो मैं जब आपातकाल यानी कि एमरजेंसी लगी थी उसके पूर्व ही सामाजिक कार्यकर्ता था, समाज का काम करता था। वो ऐसा देश था जिसमें पीछे रहा नहीं गया और मुझे जेल यात्रा करनी पड़ी। उसके बाद मैं तो सीधा कहूंगा कि आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में और 1982 से 1990 तक प्रचारक के रूप में कार्य किया। जैसे मैं वापस गया 1990 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ तो भारतीय जनता पार्टी एज ए प्रदेश महामंत्री के नाते आदरणीय नड्डा जी के साथ कार्य करने का मौका मिला। इस सदन में हमारे केंद्र में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जितने भी होंगे, मैं ये मानकर चल सकता हूं कि कम से कम 60% से ज़्यादा लोग यानी कि हम उस कार्यकाल के हैं। यानी कि नकवी जी बैठे हुए हैं, रविशंकर जी यहाँ नहीं हैं, प्रहलाद पटेल जी, फिर अपने जी कृष्ण रेड्डी जी हमारे अध्यक्ष थे, तो इन सब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। जहाँ आने के बाद मुझे नहीं लगा कि मैं कम से कम सदन में तो नया आया हूँ, लेकिन मैं कार्यकर्ताओं के बीच में से नया नहीं हूँ। और दूसरी बार मैंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, ना कभी पार्षद का लड़ा, ना कभी म्यूनिसपैलिटी का लड़ा, कभी पंचायत का लड़ा। एज ए सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैंने कार्य किया। 1914 में मुझे अरुण जी की याद आ रही है, अरुण जेटली जी, 2014 तो उन्होंने कहा कि तुम चुनाव क्यों नहीं लड़ते विधानसभा का, तो मैंने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ने का मेरा मन नहीं है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता का काम करने का रूप मेरा मन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उस समय के हमारा केंद्रीय नेतृत्व, आदरणीय राजनाथ जी, इन सब ने विचार किया कि नहीं, कहीं नहीं इसको भेजना चाहिए। इनकी सबकी सहमति बनने के उपरांत पहली बार जम्मू कश्मीर में राज्यसभा में अगर किसी यानी के सांसद को भेजने का प्रयास किया तो मुझे वो मौका मिला। पहली बार जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में मुझे वो मौका मिला। मैंने वो 6 वर्ष का कार्यकाल निकालने का प्रयास किया, जितना मेरे से होता था, जितनी मेरी क्षमता थी, जितनी मेरी बुद्धि थी, जिस प्रकार का मैंने सामाजिक कार्य किया हुआ था वो करने का मैंने प्रयास किया। परम आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी संगठन महामंत्री हुआ करते थे, जम्मू कश्मीर हिमाचल वगैरह इंचार्ज थे। मैं जम्मू में जब भी आते थे तो मामले में मेरी भाषा में थोड़ी सी तीव्रता या उग्रता रहती थी, तो वह अक्सर मुझे कहा करते थे कि अपने स्वभाव को थोड़ा सा ठीक करने का प्रयास कीजिए। इसलिए मैंने सारी बातें सीखने के उपरांत समाज के बीच में रहकर समाज का कार्य कैसे किया जाता है, और मैंने पूरा जम्मू कश्मीर
विभिन्न दायित्वों से होते हुए प्रदेश का अध्यक्ष भी बना और इंटायर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा होगा, कोई ऐसी तहसील नहीं बची होगी, कोई ऐसा जिला नहीं बचा होगा जहां मैं नहीं गया होगा। मैंने 13 वर्ष के कार्यकाल में पूरा लगातार जम्मू कश्मीर को घूमा है, जम्मू कश्मीर की परिस्थिति को समझा है, जम्मू कश्मीर के समाज को समझने का मैंने प्रयास किया है। उस प्रयास का मुझे अनुभव जहां दिखाने का मौका मिला। हालात बहुत गंभीर थे, जिस प्रकार यहां के जहां से केंद्र से सारी चीजें जाती थी वहां तक पहुंचने में कई रुकावटें और हर्डल्स बनती थी। जम्मू इग्नोर होता था, लद्दाख इग्नोर होता था, तो उस समय भी मैं आंदोलन, कई आंदोलन मैंने प्रारंभ किए और आंदोलन करने के उपरांत मैंने कुछ कार्य करने का भी प्रयास किया। एक बात मैं अवश्य बोलना चाहूंगा, क्रिकेट के एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे फारूक अब्दुल्ला जी थे और पैसा जो जाता था क्रिकेट के एसोसिएशन का, और सबसे प्रथम अगर किसी ने आवाज उठाई होगी और आंदोलन किया होगा तो मेरे अध्यक्ष कार्यकाल में हुआ। मैंने 72 दिन की बोखड़ दाल रखी हुई है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जहां बैठे हुए हैं ये गवाह हैं, जो उस समय डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर होने के उपरांत मैंने इनको आग्रह किया था कि आप भी जम्मू यानी कि भारतीय जनता पार्टी में आइए, और मैंने इनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया था। और आज ये जहाँ से जहाँ पे पहुंचे हुए हैं, ऐसे मैंने कहा एक कार्यकर्ता, मैं सैकड़ों कार्यकर्ताओं का नाम बता सकता हूँ जो जम्मू कश्मीर में कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार ये सारी चीजें करने के उपरांत जिस प्रकार का ये यानी कि जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा प्रदेश, मैं केवल प्रदेश तक सीमित था, चुनावों की दृष्टि से यानी कि मुझे बाकी राज्यों में जाना पड़ता था उन दिनों, लेकिन जहां आकर सदन तो देखा ही देखा मैंने, लेकिन सदन के बाहर भी ये मेरा पूरा का पूरा पूरा भारतवर्ष दिखाई देता है। आज हम भारतवर्ष में बैठे हुए हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर भारत माँ का मुकुटमणि है और मैं मुकुटमणि से आता हूँ और भारत के बीच में बैठा हूँ, और मुकुटमणि की सेवा कैसे हो सकती है, उस दायित्व का निर्वाह कर रहा हूँ। इसलिए आने वाले समय में जिस प्रकार रिटायर तो नहीं कहा जा रहा, समाज का काम मैंने पहले भी किया है, आने वाले दिनों में भी करूँगा, और जिस प्रकार लोगों की समस्याओं को लेकर जूझता रहा हूं, आगे भी जूझने का प्रयास करूंगा। हमारे अजाज साहब वो भी जम्मू कश्मीर से आते हैं और उन्होंने अपना मुकाम एक हासिल किया है पूरे यानी कि पूरे देश भर में। अगर इनका गांव देखा जाए बहुत छोटा सा है, गंदोह गांव के पास रहते हैं, अगर उस गांव को के देखें कि क्या अजाज साहब वहां से उठकर जहां पहुंच सकते हैं, तो कितनी यानी कि उन्होंने अपनी मुशक्कत की होगी, कितनी वहां उन्होंने मेहनत की होगी, वो हमारे सारे सबके सामने हैं। और ये मुकाम आज हासिल इतना हासिल किया है, क्या ये पूरा भारतवर्ष ही नहीं विश्व में भी उनको लोग जानते हैं, वाहवाही कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, मैं भी उनका आभार व्यक्त करता हूं। कई बार हमारी नोकझोंक होती थी कुछ मुद्दों पर, यानी कि हमारे पूरे आपस में तालमेल नहीं बैठता होगा, मैंने कुछ कटाक्ष भी किए होंगे, लेकिन उन्होंने बड़े सहनता से उसे सहन करने का भी प्रयास किया। इसलिए आने वाले दिनों में जैसे भी हो सकेगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का कार्यभार मुझे मिलेगा, जो दायित्व मिलेगा, मैं उसे निर्वाहन करने का कोशिश करूंगा। और जिस कार्यकाल केवल मैं रिटायर सांसद से, सांसद के जहां राज्यसभा से हो रहा हूं,
अपने जीवन से नहीं, जीवन आगे भी चलेगा और हम आगे ही बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद शमशेर सिंह जी, आपको शुभकामना। डिप्टी चेयरमैन।